जय हिंद एंड वेलकम टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। दिस इज आरएसजी सोलंकी और आज हम बात करेंगे कि इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर क्यों है, ठीक है, और उसके होने से क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नहीं फायदे हैं, ग्लोबल सिनेरियो क्या है एंड एवरीथिंग। तो व्हाई इज इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्टर, ठीक है। इंडिया के बाद बहुत सारे हैं, सऊदी है, देन देयर इज यूक्रेन एज वेल, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, एवरीबॉडी इज देयर, बट फिर भी इंडिया कॉन्स्टेंटली फर्स्ट पोजिशन पर रहता है। ये बाकी तो चेंज होते रहते हैं बट इंडिया इज ऑलवेज ऑन दैट फर्स्ट पोजिशन ऑफ आर्म इम्पोर्टर, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, इंडियाज डिफेंस इंडस्ट्री इज डोमिनेट बाय पब्लिक सेक्टर एंड डिफेंस मिनिस्ट्री फाइंड इट डिफिकल्ट टू प्रमोट प्राइवेट सेक्टर। हालांकि अभी तो ऐसा होने लगा है कि प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़्यादा जोरों शोरों से है इंडिया में, तो प्राइवेट आर ऑल्सो, यू नो, प्राइवेट इंडस्ट्रीज कंपनीज आर ऑल्सो इन टू इट मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस इक्विपमेंट्स। सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम इसका ले सकते हैं C295 जो वडोदरा में था टाटा प्लस एयरबस के साथ, है ना, देखा होगा आपने। ये 2026 तक इंडक्ट हो जाएंगे हमारे इंडियन एयरफोर्स में। तो C295 एयरक्राफ्ट आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड सेमी प्राइवेट के रूप में इंडिया में ही। तो दीज आर द फ्यू प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट दैट इज इन इंडिया। अब क्योंकि पूरा प्राइवेट सेक्टर नहीं है अभी तक, तो हमको ज़रूरत लगती है बाहर से बुलवाने की। नाउ यू मस्ट हैव ऑल्सो सीन कि बहुत ज़्यादा हमारा है डिफेंस बजट भी, बट क्योंकि हम उसको और ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते अभी, बिकॉज वी हैव टू गिव इट इन डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स। इंडिया जो है अभी डेवलपिंग हो रहा है, डेवलप नहीं है, तो हमको एजुकेशन, हेल्थ केयर, सब्सिडीज, सैनिटेशन, हमको हर चीज़ में इन्वेस्ट करना है अभी, ठीक है। नए नए प्लान्स बन रहे हैं, प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। तो इन सब चीज़ों के साथ साथ अगर आप सोचें कि डिफेंस एकदम हाइक पर चले जाए, एकदम से सारी चीज़ें इंडिया में प्रोड्यूस होने लग जाए एक ही साल में, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। स्लो एंड स्टडी ग्रेजुअल ग्रोथ हो रही है जो विजिबल भी है। नेक्स्ट, डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट करने से जो है मेजर आर्म प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैज इंश्योर्ड एंड एनहांस इंडियाज डिफेंस ऑन द ग्लोबल फ्रंट, ठीक है। तो क्योंकि हम एकदम अपडेटेड हाईटेक चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं फ्रांस से, रशिया से, यूएसए से, सो इससे क्या होता है, हमारे पास अभी एट करंट कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करने का पैसा बच रहा है। दूसरा, एकदम ग्लोबल हाईटेक एयरक्राफ्ट वेपनरीज हमारे पास आ रहे हैं। दूसरा, इन कंट्रीज़ के साथ जब हम डिफेंस डील्स करते हैं तो हमारा इनसे जो है कनेक्शन, एक इंटरनेशनल रिलेशन बहुत अच्छा बन जाता है। ड्यू टू लैक ऑफ क्लियर कट विजन इन इंडियाज डिफेंस इंडस्ट्री, इंडिया लैक्स फ्लरिशिंग डिफेंस इंडस्ट्री ऑफ इट्स ओन, बट ये जो है ओवरकम हो रहा है क्योंकि अभी प्रॉपर प्लान इंप्लीमेंटेशन नहीं है, एवरीथिंग इज इन डेवलपिंग एंड ग्रोइंग फेज। तो इतना ज़्यादा अभी प्रॉपर इंडस्ट्री खुद की नहीं है, हालांकि जो हमारी गवर्नमेंट अथॉरिटेटेड हैं DRDO एंड एवरीथिंग, दीज आर एक्सेलिंग वेरी वेल, बट स्टिल अभी और पोटेंशियल है। इंडिया स्टिल स्ट्रगलिंग टू अपग्रेड इट्स आर्म मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज डिस्पाइट द ह्यूज बजट। बहुत सारा बजट तो है लेकिन क्या होता है, कभी कभार सरकार ऐसी आती है कि करप्शन आ जाता है, आपने बहुत सारा देखा होगा। कभी कभार ऐसा होता है सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, कभी कभार प्रॉपर लीडरशिप नहीं है, कभी कभार प्रॉपर प्लान ही नहीं बनाए। तो ऑल ऑफ दिस थिंग्स लीड टू हिंड्रेंस इन दैट पर्टिकुलर थिंग। आफ्टर इंडिया डिक्लेयर इट्स एल्फ न्यूक्लियर पावर, अब देखो आपको तो पता है कि न्यूक्लियर पावर डिक्लेयर कर दिया था इंडिया ने खुद को 1998 में। अब क्योंकि न्यूक्लियर पावर एक बहुत बड़ी बात होती है, तो उससे हमें कंसिस्टेंटली अपना पावर अपग्रेडेशन रखना होता है, हमें अपनी हाईएस्ट, लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी मेंटेन करनी होती है। और उसके लिए क्योंकि राइट नाउ वी कैन नॉट मैन्युफैक्चर दीज मेनी थिंग्स इन इंडिया, वी हैव टू इम्पोर्ट इट फ्रॉम अदर कंट्रीज सो दैट वी मेंटेन दैट पर्टिकुलर लेवल, है ना। तो एक पर्टिकुलर लेवल हमको मेंटेन करना होता है, एक सुपीरियरिटी मेंटेन करनी होती है, और अगर हम खुद से नहीं बना सकते तो हम दूसरों से लेके वो मेंटेन करेंगे ग्लोबल लेवल पे। इंडिया करंटली फेस टू, ये इधर टू था, टू एनिमीज, एक तो एक साइड पाकिस्तान है, दूसरा साइड हमारा चाइना है। क्योंकि हम दो इतने बड़े बड़े एनिमीज के बीच में एकदम फंसे हुए हैं और वो दोनों एनिमीज एक दूसरे से बहुत अच्छे से कनेक्टेड हैं, तो हमको इकोनॉमिकली अपना ज़्यादा डिफेंस की तरफ झुकाव करना पड़ेगा, हमें हमारे आर्म्स बहुत ज़्यादा अच्छे रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट, इंडिया नीड्स वेपन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम इंटरनल एनिमीज। अब ऐसा तो नहीं कि इंटरनल सिक्योरिटी के कोई खतरा नहीं, इंडिया में इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स भी हैं। तो ऑल ऑफ दीज आर द रीजंस व्हाई वी नीड टू इम्पोर्ट सो मच, ठीक है। नेक्स्ट, सिचुएशन क्या है दूसरी दूसरी कंट्रीज़ की। US लीडिंग आर्म एक्सपोर्टर है वर्ल्ड में, एक्सपोर्टर, ठीक है, विद इंक्रीज एक्सपोर्ट्स बाय 11% द लास्ट डेकेड। अब देखो लीडिंग आर्म एक्सपोर्टर हमेशा चेंज होता रहता है, कभी USA रहता है, कभी रशिया रहता है, बट राइट नाउ मेनी ऑफ द थिंग्स, कभी फ्रांस भी रहा एक टाइम पे, बट यू नो कभी कभार होता है कि इंटरनल मैटर्स चल रहे हैं, उनके एक्सटर्नल मैटर्स चल रहे हैं, तो उसके कारण आगे पीछे होता रहता है। बट USA ने 11% एक्सपोर्ट्स में अपना बढ़ोतरी करी है लास्ट डेकेड। Conflicts in the past decade drove Saudi Arabia to increase its military stock. I said India के बाद Saudi Arabia है largest arm importer अभी recently, तो देखो इधर भी लिखा हुआ है। तो ऐसा क्यों रहेगा, क्योंकि Saudi Arabia में भी बहुत conflicts चल रहे हैं and they needed to protect themselves.
नेक्स्ट, चाइना होल्ड द थर्ड प्लेस एज एन आर्म एक्सपोर्टर एंड फोर्थ एज इम्पोर्टर. तो सबसे ज़्यादा अगर हम थर्ड प्लेस की बात करें तो चाइना एक्सपोर्ट करता है, और इम्पोर्ट की बात करें तो फोर्थ प्लेस पर है चाइना इम्पोर्ट में. पाकिस्तान भी चाइना से बहुत सारे प्रोडक्ट्स लेता है, बहुत सारे वेपनरीज, एयरक्राफ्ट लेता है, क्योंकि पाकिस्तान ऑल्सो वॉन्ट्स इट्स सेल्फ टू बी मिलिट्री ऑक्यूपाइड. तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जब आप ये बोलेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे बड़ा क्वेश्चन जो हमारा था कि इंडिया बिगेस्ट क्यों है आर्म इम्पोर्टर, तो ये सारे रीज़न आपको बताने हैं. अबाउट मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ दिस वन, देन इट इज़ द हमारे एनिमीज, देन इट इज़ द इंटरनल अग्रेशन, देन इट इज़ प्राइवेट सेक्टर इन्फ्लुएंस, ऑल ऑफ दिस. फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब टू आवर चैनल. टिल देन कीप वॉचिंग. जय हिंद.